किसान मोर्चा हर बूथ पर 10 प्रहरी नियुक्त करेगा और किसानों को जागरूक करने के लिए हर जगह नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। किसान मोर्चा की खुनिया के थलाकन में पौधारोपण के साथ संपन्न हुई बैठक में किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश चंद ने सभी को जानकारी दी। इसके अलावा बैठक में आगामी रणनीति भी बनाई गई और किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को भी किसान मोर्चा की एक विशेष बैठक नहलिया में संपन्न होगी। किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश चंद्र राणा की अध्यक्षता में थलाकन में पौधारोपण किया गया, जिसमें विशेष रूप से संगठनात्मक जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में किसान मोर्चा जिला देहरा संगठनात्मक महामंत्री संजय राणा, मंडल अध्यक्ष मानचंद राणा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजय राणा, जिला युवा मोर्चा सचिव अश्विनी वर्तमान सुरानी, प्रधान दिलीप सिंह, पूर्व प्रधान बलाहर राजेश शर्मा, बूथ अध्यक्ष तिलक राज, महिला मोर्चा मंडल सचिव सरिता धीमान, सचिव सरोज राणा और नारी शक्ति भी मौजूद रही। सभी मंडल कार्यकर्ताओं नारी शक्ति ने पौधारोपण में अपना योगदान दिया और सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखे। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मंदिरों के कपाट अभी भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, जिसका असर छोटी काशी मंडी में स्थित मंदिर परिसरों में भी देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और सभी जगह इसकी रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश में भी इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है, जिसके चलते प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। बिशप हिंदू परिषद द्वारा सुंदरनगर के सुखदेव वाटिका में राम मंदिर निर्माण में कार सेवकों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने बताया कि सुंदरनगर जिला से अयोध्या के लिए 1990 और 92 में 15 के तकरीबन लोग वहां पर गए थे और उन्होंने जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना था, बाबरी मस्जिद ढांचे को खत्म करने में अपना अहम योगदान दिया है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूमि पूजन करके इस कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं, इस कार्य में कार सेवकों का बहुत योगदान है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को बधाई दी है और कहा कि ये 500 साल बाद देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने की खुशी में सोलन के धुंधन गांव में भी खुशी का माहौल देखा गया। वहां के मंदिरों से सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी गाँव वासियों में एक अलग ही उत्साह नजर आया। सभी भगवान राम की रंग में रंगे हुए नजर आए। भजन कीर्तनों से सारा क्षेत्र भगवान राम की भक्ति से सरोबार रहा। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह घी के दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत किया गया। मौके पर मंदिर के पुजारी और उपस्थित भक्तों ने कहा कि आज भी बेहद खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, जिसके चलते सभी क्षेत्रवासी बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि सुबह से ही मंदिरों में खूब भजन कीर्तन किए गए, 501 घी के दिए जलाकर भगवान राम के प्रति अपनी खुशी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक वर्ष भगवान राम का ये ऐतिहासिक दिन धूमधाम से मनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का दिन सोलन में पर्व की तरह मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के साथ लगती पंचायत मशीबर में भी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जहां एक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं राम वाटिका में औषधीय पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा
मंडल अध्यक्ष बलदेव विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न किस्म के औषधीय पौधे रोपे और राम मंदिर के शिलान्यास की जमकर खुशी मनाई। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री नंदराम कश्यप ने कहा कि आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में नींव रखी जा रही है। आज के दिन मशीबर पंचायत में राम वाटिका का आरंभ भी किया गया, जिसमें करीबन 200 औषधीय पौधे रोपे गए हैं। इनको पानी मिलता रहे इसलिए यहां 1000 लीटर का पानी का टैंक भी बनाया जा रहा है। इन पौधों की देखभाल के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने हामी भरी है, जो महीने में एक दिन एक पौधों की रेख देख करेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रण लिया है कि वे आज का ऐतिहासिक दिन बहुत धूमधाम से हर वर्ष मनाएंगे।